ईवीएम में गड़बड़ी करके जीते हैं और जीतते हैं। ना अमित शाह आएंगे, भाजपा की सरकार नहीं आएगी। ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो यह आपकी सरकार आ सकती है। कि ये शाहीन बाग में जो चल रहा है वो गुजरात में भी चल रहा है। गुजरात में दंगे करवाने में पूरा हाथ है उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस समय हम शाहीन बाग में खड़े हुए हैं जहाँ पे कुछ लोग गुजरात से आए हुए हैं। हम जानेंगे आज उनसे कि क्या सच में गुजरात का जो हाल था वो बहुत बदतर था या बदतर से भी बदतर था। आज साथियों, मैं शाहीन बाग में आया हूँ जहाँ प्रोटीन का विस्तार है, जहाँ मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जैसी महिला, ओबीसी, सभी महिलाएं यहाँ डटी हुई है। करीबन 45-30 दिन के ऊपर हो गया है। गुजरात का जो हाल है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात में महिलाओं पर बलात्कार होता है, महिला के ऊपर बलात्कार होता है गुजरात में। लेकिन मोदी जी की सरकार नहीं है ना गुजरात? मोदी जी की सरकार नहीं है, मोदी जी की ही सरकार है, क्योंकि वहाँ भाजपा है। लेकिन मोदी जी अब तो मोदी जी पहले भी बेचा था गुजरात को, अब यहाँ आके भारत को बेच रहे हैं। शाहीन बाग को अगर गुजरात से तुलना की जाए तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये शाहीन बाग में जो चल रहा है वो गुजरात में भी चल रहा है। प्रोटेस्ट गुजरात में भी चल रहे हैं। अभी भी अहमदाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, मौड़ासा में हुआ, अभी हमने प्रोटेस्ट लगाया था चोटीला में, जो सुरेंद्र नगर जिले थे वहाँ मेरा भी चल रहा था प्रोटेस्ट। 5,000 आदमियों के साथ हमने प्रोटेस्ट लगाया। अहमदाबाद में जब प्रोटेस्ट लगाते हैं तो ये लोग हमारे लोगों को अंदर डाल देते हैं, ये वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जिस हिसाब से शाहीन बाग को एक मुद्दे के तहत बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? अब दिल्ली में न मोदी आएंगे न अमित शाह आएंगे, भाजपा की सरकार नहीं आएगी। यहाँ दिल्ली में विधानसभा में तो हमको ऐसा लग रहा है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो यहाँ आपकी सरकार आ सकती है। ईवीएम में ये लोग ईवीएम में गड़बड़ी करके जीते हैं और जीतते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जिस हिसाब से गुजरात के हाल है, क्या लगता है आपको इस बार कि क्या दिल्ली में सरकार आएगी बीजेपी की? कभी नहीं। अगर ये ईवीएम हटा लेना तो अब भी 24 घंटे में भाग जाएंगे। ईवीएम अगर हटा ले तो मेरे सामने कोई भी आ जाए वो हार जाएगा। बैलेट पेपर से इलेक्शन करके दिखाए, अगर वो शरीफ है, वो गुनेगार नहीं है, बराबर ईमानदार है, तो बैलेट पेपर से डरते क्यों है? अगर तुम ईमानदार हो तो बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ ना, तुम डरते क्यों हो? और ये चंगू मंगू को तो हमने गुजरात से भगाया है, तुम लोग यहाँ से भगाओ। लेकिन वो तो पूरे देश में है ना, क्योंकि सरकार तो पूरी देश की होती है, कहीं ना कहीं हर राज्य से जनता वोट करती तब जाके सरकार बनती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये वोट तो सरकार पब्लिक करती है, वोट वो अपनी मर्जी से करती है, लेकिन ये ईवीएम में गड़बड़ करके साले आ जाते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी है भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस आप जो आपका गुजरात है, गुजरात में कितने हद तक बीजेपी ने काम किया? कुछ नहीं, खाली रोड बनाए, वो बिल्डर क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को, सीमेंट वाले को, सलिए वाले को भालावाल कर दिया, और पब्लिक ऐसी की ऐसी है, गरीबों को दबा दिया, गरीबों को नौकरी नहीं दी, स्कूलों में है ना सब खानगी कर दिया है, अस्पताल सब खानगी कर दी है, और यहाँ वो रूपाणी आके बोलता है हम फ्री में शिक्षा देंगे। अरे भाई, तू तेरा गुजरात संभालता नहीं है, वहाँ लोगों से करोड़ों रुपया आता है, अरे तू यहाँ फ्री में कहाँ शिक्षा देगा? अच्छा, कितने हद तक ये बात सही है कि जब ये कहा जाता है कि बीजेपी जाति की राजनीति करती है? बराबर, जाति की राजनीति करती है। हमारे दलित का बच्चा घोड़ी पे बैठता है, घोड़ी पे बैठता है तो भी उसके अपमान करके उतार दिया जाता है। हमारी शादी होती है तो हमारे को डीजे भी नहीं बनाने देते, जाति की नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, धोखा है। फेंकू लोग ऐसे ही फेंके रहते हैं। आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।